मामला हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रत्नारा का है, जहां राजे गांव निवासी गोलू उर्फ जितेंद्र को हट्टा पुलिस ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने बताया कि आरोपी राजे गांव निवासी जितेंद्र कुत्ते ने रत्नारा निवासी 8 साल की छोटी बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और बच्ची को डराया धमकाया और वहां से फरार हो गया, जिसे हट्टा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुत्ते का पूर्व में चोरी के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसने कृत्य के साक्ष्य मिटाने व बच्ची को डराने धमकाने के बाद घर से फरार हो गया था, जिसे हट्टा थाना प्रभारी की सूझबूझ से गिरफ्तार कर धारा 376 एबी पॉक्सो एक्ट व SC ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। टोप राम पटले की रिपोर्ट। रजी गांव का एक पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड स्थापित करा है जितेंद्र कुत्ते हैं। इसने बड़ी ही विभत्स और अमानवीय तरीके से छोटी सी बच्ची के साथ अपराधिक कृत्य किया। कृत्य करने के बाद साक्ष्य नष्ट करने का भी प्रयास किया, बच्ची को डराया धमकाया है और उसके बाद वहां से फरार हो गया है। इसमें पूरी हट्टा पुलिस की टीम और इसमें अपने जो पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक तिवारी साहब के साथ उनका बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन था कि चूंकि अपराध गंभीर किस्म का है, बच्ची के साथ हुआ है, इसमें शीघ्र ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी की जाए। हमारे टी आई बरकड़े साहब ने और पूरे हट्टा थाने की टीम ने बड़ी लगनशीलता के साथ इसमें इतना सब कुछ होने के बाद भी 2 से 3 घंटे के अंदर इस छात्र अपराधी को गिरफ्तार किया, बड़ा ही सराहनीय काम किया है। व्यक्ति जो है जितेंद्र कुत्ते रजेगांव का रहने वाला है, इसका पूर्व में भी चोरी के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। चूंकि अपराध जगत संपर्क में है, इसने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, साक्ष्य को नष्ट करने की भी कोशिश की और बच्ची को डराने धमकाने के बाद वो से फरार हो गया, ताकि इसमें बहुत ज्यादा साक्ष्य न आए और बच्ची किसी घटना के बारे में बताना पाए। सर, क्या ये अपराधी को क्या अपने थाना क्षेत्र में यानी थाना क्षेत्र के जो PI साहब हैं इनके मदद से या पूरे प्रशासन की मदद से इस आरोपी को पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल, PI साहब की बड़ी सूझबूझ रही इसमें कि चूंकि अपराधी छात्र जब होता है तो पकड़ना उसको बड़ा मुश्किल होता है। वो सब चीज़ जानता है कि पुलिस कहाँ सर्च करेगी, कैसे पकड़ेगी, तो सारी चीजें करने के बाद भी बड़ा बेसिक पुलिसिंग करते हुए जंगल वंगल में कहीं छुपा हुआ था, तो हम लोगों ने पूरा घेराबंदी किया शाम के समय और इसको मौके से फरार होने के बाद गिरफ्तार किया। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।